हे दोस्तों, तो एलवाना का टैंक है, मेरा एलवाना कहा है? अरे बाप रे, ये फिश इतना कूद है, ये सारे फिश जो गोल्डफिश आप देख रहे हो, ये सारे इंपोर्टेड ट्राइफल गोल्डफिश, ये सब मैं लेकर आया संतोष किशोर फिश फार्म से, जिसमें मैंने वीडियो रिलीज किया था, और वहां से ये गोल्डफिश मैं लेकर आया, उनके लिए ये टैंक है। और एलवाना किधर है? एलवाना है, एलवाना को मैंने दिया हुआ है फिलहाल किसी को, तो आई थिंक जब तक मेरा बड़ा टैंक नहीं बन जाता मैं वापस नहीं रहने वाला। और बड़ा टैंक बनने के बाद भी देखते गाइस जगह ही नहीं मिल रही है, और एलवाना में बहुत दिक्कत हो रही थी एक्चुअली, देखा ना टैंक भी फट गया था मेरा, फिर मैंने एलवाना को रखा भी था, लेकिन अभी टैंक एक्चुअली छोटा पड़ गया, और मॉन्स्टर फिश टैंक में सिक्लिट्स है जिसमें एलवाना को टुकड़े रह सकते हैं, और अंदर वाला जो हमारा इंटेक्स का फुल बनर उसमें एलवाना को रखने के मना कर रहे हैं, उसको मुझे कोई फिश रखना है तो क्या करें। एनीवेज अभी देखते हैं, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहली बार मैंने बोर्ड फिश लिया है, तो चलिए इनको हम रिलीज करते हैं, देखते हैं कि ब्यूटी। तो दोस्तों फिलहाल तो मैंने एक्लिमेट करने के लिए रख दिया है, जैसे एक्लिमेट हो जाएगा उसके बाद हम इनको रिलीज कर देंगे, और देख पा रहे हो गाइस ट्राई कलर गोल्डफिश है, बहुत ही खूबसूरत सा है। तो एक्लिमेट हो गया, निकालते हैं और इनको रिलीज करते हैं और देखते हैं इनकी ब्यूटी। तो गाइस मैं करने वाला इनको रिलीज, तो मैंने कर दिया रिलीज, और फर्स्ट टाइम जो है गोल्डफिश ट्राई कलर मेरे इस एक्वेरियम टैंक में आ गया है। वैसे इन गोल्डफिश की एज सिर्फ 3 मंथ्स है गाइस, तो अभी कलर्स ज्यादा आए नहीं है, जैसे जैसे बड़े होंगे तो कलर्स और ज्यादा बढ़ेगा, गाढ़ा होगा, मस्त लगेगा। एंड आप देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे ट्राई कलर गोल्डफिश है जो मैंने संतोष किशोर फिश फार्म से लेकर आया था। तो वैसे ये आज का दिन चल रहा है, तो गाइस मैं आप लोगों को इसका अपडेट देता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे पर और देखते हैं नेक्स्ट डे में हमने क्या क्या किया। तो दोस्तों फाइनली अभी हमारे पास सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये 4 टैंक से बाकी जिनको लेके जाना। इसमें हमारे गाइस ये डम्बो ईयर गप्पी है, आपको पता है प्लेटिनम, एंड देन यहाँ पे सी थ्रू है, और यहाँ पे काफी सारे अलग यू नो फ्लेमिंगो गप्पीज है, एंड यहाँ पे पूरे मिक्स गप्पीज है, तो इन सब टैंक को लेके जाएंगे नीचे। दोस्तों तो मैं आया हूँ बैकयार्ड में, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। देखो सारे हमने पॉन्ड्स को जो है खोल दिया है, और पानी वगैरह कम किया, इसमें बहुत सारे फ्राइज है, जेट ब्लैक के बहुत सारे फ्राइज आ गए, उठा के मैं अभी नहीं दिखाने वाला। यहाँ पे सेंटा क्लॉस के फ्राइज आने वाले हैं, यहाँ पे सारा हमारा फिश फ्राई का टैंक हम यहाँ पे लेकर आए, 50,000 से ज्यादा फिश फ्राइज है, और ये सारे टैंक्स हैं अभी, और क्या ही दिखाऊं, सब में फ्राइज है गाइस, सब में फ्राइज है, ठीक है। और ये भी देखो हमारे फुल रेट के फ्राइज काफी बड़े हो रहे हैं, ये सारे फुल रेट के फ्राइज है। एंड ओके जो यहाँ पे एक्लिमेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिश हम एक्लिमेट कर रहे डालने वाले हैं, एंड यहाँ पे कुछ फिश हमने एक्लिमेट किया है जो अच्छा, ये हमारा प्लेटिनम डम्बो ईयर के फ्राइज है, देखो इतने सारे, इसमें 18 फ्राइज है, 18 फ्राइज को हम यहाँ पे रिलीज करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे फिर। तो दोस्तों फार्मिंग तो बहुत अच्छी चल रही है गप्पीज का, और देख ही पा रहे हो बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारा हमारा जो टैंक वगैरह बन गया है यहाँ पे, कितना होगा टोटल यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है हमारे पास टोटल। दोस्तों बैक टू हमारा रूम, तो मैं ऐसे आपको दिखाता रहूंगा छोटे छोटे इधर उधर के अपडेट्स। तो ये देखो ये हमारा फिश बॉल है जो हम लोगों ने अभी क्लीन किया हुआ है, एंड बीच में प्लांट्स थे, मैंने कुछ एडिशनल प्लांट्स डाल दिए, और यहाँ पे ड्रिफ्टर मैं यूज करूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, एक बाउल काफी बड़ा है इसको मैं यहाँ रखने का सोच रहा हूँ, लेट्स सी। इधर चल रहे हमारे इस टैंक की सफाई, जहाँ पे हमारे थे रेड कलर के स्कारलेट बेडिश, तो ये वाला टैंक भी काफी गंदा हुआ था, काफी टाइम से साफ नहीं किया था, और यहाँ पे काफी सारे फिश हैं, अच्छे वाले बेडिश है, तो निकाल के मैं दिखाने वाला आप लोगों को। और ये देखो ना कितना ज्यादा गंदा हुआ था यार, प्लांट भी सड़ गया है ऐसा लग रहा है। एनीवेज यहाँ पे हमने फिश बॉल को रख दिया है, पोजिशन हमने चेंज किया फिलहाल, तो बाद में दिखाता हूँ। और ये देखो कितना गंदगी निकल रहा है, और ये सारा अभी क्लीन किया है, इस प्लांट के पत्तों को छाट कर फिर से हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बेडिश देखिए, यहाँ पे हमारे पास 5 बेडिश थे, एक बड़ा है और 4 स्कारलेट बेडिश है, बहुत ही खूबसूरत से ये सारे के सारे बेडिश जाने वाले रिवर फिश टैंक में। पहले तो ये पानी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लोचस है, 2-3 लोचस है बहुत ही खूबसूरत से, तो उनको हमें अच्छे से निकालना पड़ेगा, वो ना पत्थरों के नीचे नीचे छुप जाते हैं, इसलिए हम स्लोली पानी निकाल रहे हैं ताकि हम लोचस को यहाँ से रेस्क्यू कर पाए। एंड देन ये है हमारा लोच, एक बहुत ही खूबसूरत सा लोच है गाइस, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा लेकिन मैं साइड से आपको दिखाऊंगा बाद में, ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये कम से कम 7-8 महीने से हमारे साथ है, उसी छोटे वाले टैंक में था। वैसे ये लोच काफी लंबे समय तक सर्वाइव किया है। चलो इन सभी फिश को छोड़ते हैं हमारे उस रिवर फिश टैंक में और देखते हैं इनकी ब्यूटी। अभी मैं जा रहा हूँ इनको यहाँ पे रिलीज करने के लिए, तो कर दिया मैंने रिलीज और सारे के सारे फिश यहाँ चले गए। थोड़े टाइम के बाद लोच को देखो, ये लोच की आप ब्यूटी देखो, ये बहुत ही खूबसूरत सा लोच है, तो अभी इसको एक अच्छा सा स्पेस मिलेगा तो यहाँ पे अच्छा ग्रो करेगा। एंड पीछे देखो आया हमारा रेड बेडिश, तो ये हमारा स्कारलेट बेडिश है, बहुत ही खूबसूरत सा है। एंड ऐसे यहाँ पे हमारे 4-4 है, तो इनको हमने पकड़ा हुआ था लाइक 6-7 मंथ्स पहले, अभी तो हम गए नहीं बेडिश हंट के लिए, यहाँ पे भी एक घूम रहा है देखो कितना प्यारा है। तो ये सारे बेडिश के कलेक्शन और इन सब फिश को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। इधर एक और नया सेटअप बन रहा है गाइस, ये देख पा रहे हो, ये मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ, इसमें एक फ्लावर हॉर्न रखने वाला जो आ रहा है KML, तो उसको कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रखेंगे एंड देन यहाँ से उसको शिफ्ट कर लेंगे, तो ये एक सिंपल सा सेटअप है। दोस्तों हमारा सेकंड पफर फिश, ओके हम लोग फर्स्ट वाला भी दिखाएंगे, ये थोड़ा छोटा वाला है, रिलीज कर इसको, गया। ओ ब्यूटी देख बे, मैं नेक्स्ट सच में मैं और लाने वाला हूँ यार,
वहीं पे जाएंगे, ये पफर फिश मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम मिला है। वो बड़ा वाला किधर है? तो वो बड़ा वाला ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया वो पीछे छुपा है, पीछे निकल निकल निकल। अरे भाई निकल ना भाई, मुझे तो ये नहीं पता कि ये झगड़ा कर रहेंगे कि नहीं, मतलब कि दो है यहाँ पे, एक ये रहा। भाग ना भाई, कहाँ गया तू? निकल ही नहीं, देखो छुपा हुआ है पीछे, देख रहे हो? और दूसरा वाला यहाँ पे। तो दो पफर फिश ऐड कर दिया इस प्लांटेड सेटअप में। तो बड़ा वाला सही में निकल नहीं रहा यार, देखो उधर ही है, छोटे वाले को देखो, इनकी आंखें देखो ब्लूइश कलर। ओ उसको देखो क्या क्या कर रहा है, बाप रे, लोच वगैरह सब यहाँ पे। ये ऊपर चढ़ा देखो। पफर फिश का टैंक कौन बोल रहा था? कमेंट में बहुत कुछ आया यार, पैडिश वगैरह बहुत कुछ है, सब छुप है। ये आ गया, 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 गया। खूबसूरत है यार, खूबसूरत है, दोनों के पैटर्न्स अलग है, ये दूसरा वो दूसरा है। मैं फिर से जाने वाला हूँ लेने के लिए। भाई पफर फिश फिर से लेना पड़ेगा, बहुत हंसी हो रहा है। क्या है पफर फिश लेने जाना पड़ेगा ना? पफर फिश बहुत अच्छा पफर फिश आया था, सही में आया था, मतलब क्या हम लोग को मिला। और मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि रेयर है, पता नहीं रेयर है क्या है, पता नहीं हम लोगों को तो लकी मिलता नहीं है, एक्चुअली हम लोग कहीं भी देखते नहीं है, फर्स्ट टाइम वो भी जिंदा मिला है। ओके तो इतना काम चला ना, ये सब मेरे पुराने स्पीकर से लाइक सोनी के, तो यहाँ पे लाइक 4.1 है, ठीक है। तो ये मैं ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, 4.1 है ना, तो चारों ओर से स्पीकर्स लगा देंगे, तो सोचे मज़ा आ जाएगा गाइस। चुनर तेरी दोस्तों, हमने पानी लगा लिया है अपने स्पीकर्स, और गुलाबी शरारा बज रहा है फिलहाल तो, और यहाँ पे चल रहा है हमारा काम। दोस्तों जो भी आपने देखा, तो हम लोगों ने गाना बजा दिया, ज्यादा देर तक गाना नहीं बजा सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। एनीवेज यहाँ पे देखो काम चल रहा है, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम इस ग्लास को जो है साफ करें, और बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप एक्वेरियम्स कैसे बनाते हो, तो हम घर पे ही बनाते हैं। मेरे पास देखो क्या है, रेसीबॉन्ड का ये कौन सा है मॉडल, आई थिंक 3010 है, और ये इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है एक्चुअली। ये आपका सिलिकॉन ग्लू है, तुरंत चिपक जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ये ग्लासेस देखो लंबे लंबे हम एक्वेरियम्स बना रहे हैं, जिसपे हम लोग पूरी तरीके से क्या रखने वाले, नीचे सैंड और आई थिंक ग्रास का सेटअप बनने वाला है, तो देखते रहिए। हाँ प्लांट सेटअप बनेगा, जो ग्लास का बनेगा, और ये नीचे बेस पे रखेंगे, ब्लैक कलर का ग्लास मैंने लिया हुआ है, और साइड के ग्लासेस देखो। इसका जो पूरा लेंथ है आई थिंक 32 सेंटीमीटर्स का है, काफ़ी लंबा है ये, एंड इसका जो हाइट है ये आई थिंक 9 है शायद। और इसको हम रखने वाले यहाँ पर, जहाँ पे फिलहाल हमारा हेलमेट सीजर और ये चाबी वगैरह है, तो यहाँ पे हम लोग रखने वाले इस टैंक को, इसी के तुरंत ऊपर हमारा ये वाला टैंक है, आप लोगों को पता है, तो ऐसा ही है, लेकिन इससे ये वाला टैंक बड़ा बनने वाला है, इसको मैं अभी बनाने वाला हूँ। दोस्तों तो बन रहा है हमारा ये टैंक, देखो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहे हैं? तो ये हमारा बन रहा है टैंक, ये देख मैं सिलिकॉन ग्लू लगा रहा हूँ, वो हमारी छुटकी भी आ गई छुटकी, तो यहाँ पे ग्लास लगाना पड़ेगा पहले तो ये हम मैं घर पे ही बनाता हूँ गाइस, देखो दिखावा बनाकर। दोस्तों अभी छोटे ग्लास में लगाना है, मतलब छोटा मतलब साइड वाला ग्लास, तो मैं पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बाद में फाइनल टच दे सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, घर पे बना सकते हो, और घर पे बनाओगे ना तो ग्लासेस आप खरीद लेना बिल्कुल सस्ते में। एंड ये जो आप देख रहे हो सिलिकॉन ग्लू, ये 300 रुपये कुछ लेगा अच्छा वाला, और ये आप काफ़ी सारा टैंक बना लेगा, मतलब एक ग्लू से आप काफ़ी सारा टैंक्स बना सकते हो, तो सस्ते में हो जाता है, खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्लास गाइस देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने सिलिकॉन ग्लू, एंड मेक श्योर कि आपके हाथ में सिलिकॉन ना लगे, नहीं तो फिर ग्लास में लग जाता है, वो साफ कर पाओगे लेकिन बहुत मेहनत लगता है। तो ये मैं अभी ये ऑलमोस्ट देखो टाइट हो चुका है, यहाँ पे इसको बिल्कुल एक ही बार में लगाना पड़ेगा, ओके ये हो गया, चिपक जाने के बाद फाइनल टच देना है हमें, बस लगाने के बाद ज़्यादा टच नहीं करने का, नहीं तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा ये, ठीक है हो गया बस। क्या हो गया क्या? हाँ ऑलमोस्ट, मतलब हो नहीं गया है, लेकिन जस्ट ये पहला लगाया है, इसको पहले जुड़ने देंगे अच्छे से, उसके बाद फाइनल टच रहेगा अंदर से पूरा, ठीक है। तो ये तो मैंने कर दिया है फिलहाल, अभी थोड़ा फिनिशिंग भी देखना पड़ेगा, एडजस्ट भी करना पड़ेगा ग्लासेस, इधर उधर निकल जाता है ना। अच्छा लग रहा है क्या? शेप अच्छा लग रहा है ना? हाँ ओके, लंबा सा टैंक। चलो एटलीस्ट ये टैंक बन गया गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और अभी फाइनल टच मैं रात को देने वाला, अभी सूखने देते हैं पहले तो, ठीक है अभी बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। और मैंने इसको नीचे बनाया क्योंकि गाइस नीचे में जो बेस होता है बिल्कुल प्लेन रहता है, इसलिए मैंने नीचे यूज़ किया, और सिलिकॉन लग जाता ना तो सिलिकॉन को आराम से टाइल से निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही बनाया,
एंड देख पा रहा हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। दोस्तों अभी हो चुके हैं 4-5 घंटे और काफ़ी सूख गए, अभी मुझे फाइनल जो है यहाँ पे सिलिकॉन ग्लू लगाना है और फिर इसको सेट करना है, ठीक है। उसके बाद हम इस बड़े वाले टैंक को रखने वाले हैं यहाँ पर। एक्चुअली ये जो आप टैंक देख रहे हो ना, इसका डबल है, ओके। ये इतना साइज का है ना और इतना यहाँ पे है, देखो आप इसका लेंथ। तो वो जो आ रहा है नया वाला टैंक यहाँ आने वाला है, तो काफ़ी बड़ा है, पूरा इसी के साइज़ का बना है, नॉट डबल बट एटलीस्ट काफ़ी बड़ा है, मतलब कि इससे तो बड़ा है वो, और ऊँचा भी है। ये आई थिंक 6 का होगा और जो हमने बनाया वो 6, 7, 8 का, 8 inches का है क्या शायद। एंड जो लेंथ है ये आई थिंक 20 some 5 है और वो 32 का है। तो यहाँ पे रखेंगे, पहले लगा लेते हैं सिलिकॉन ग्लू। तो दोस्तों मैं अंदर का भी लगाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसके बाद खुल ना जाए। अरे ये क्या है, निकल के नहीं रहा है, ऐसे करके। तो इस तरीके से हम चारों और लगा देंगे। तो घर पर ही बना रहा हूँ गाइस ये पूरा टैंक, देख रहा हूँ। एंड नाउ दोस्तों हल्के से हमें करना है ये, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से नहीं होगा तो गैप रह जाएगा एंड आपका पानी लीक करने लगेगा। कभी कभी तो बहुत गंदे तरीके से भी होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। एंड जो एक्स्ट्रा है इसको टेंशन मतलब इसको फेंक दो, कहीं पूछ लो, यहाँ वहाँ लगाने जाओगे तो पूरा बिगड़ जाएगा। उसे हमारा वाटर लिली जो हम लोग लेकर आए थे, आप लोग को याद रहेगा, ये एक ही प्लांट लेकर आया, पूरा पत्ते वगैरह हटा के इसको भी हम लोग जो है पॉन्ड में छोड़ने वाले, हमारे मॉन्स्टर फिश पॉन्ड में। एंड जो स्नेक हेड्स है गाइस, ये है, ये है, यहाँ पे चना फिश है, ओ इसको पकड़ना, कितना छोटा है, इसको मैं रिवर फिश टैंक में छोड़ू कि नहीं, कहाँ भागे, पकड़ते इसको, पकड़ नहीं आ रहा है क्या। स्नेक हेड्स तो क्या एक्टिव है, और इनका पैटर्न देखना गाइस, बहुत खूबसूरत पैटर्न है। हम लोग क्या सोच रहे हैं, इन स्नेक हेड्स को भी हम लोग छोड़ने वाले अपने मॉन्स्टर फिश जो बैक के अटका है वहां पर। ये दिखा 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 तो सही इसका पैटर्न, ये बहुत बहुत खूबसूरत पैटर्न है, घुमाना इसको थोड़ा सा, देखो बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है दोस्तों। ये आप देख पा रहे हो, ये है स्नेक हेड और पैटर्न देखो कितना प्यारा है, बहुत एक्टिव है। और इसको हम लेके जा रहे हैं अपने बैकयार्ड के मॉन्स्टर फिश पॉन्ड में, इसको डाल यहाँ पे, एंड देन दूसरा, ओ ये दूसरा है, बिल्कुल येलो कलर का है रे, बाप रे ये तो और भी अलग है, कितना खूबसूरत है। अगर इसको हम लोग डालेंगे ना, कितना बड़ा हो जाएगा ना ये सारे फिश, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पेस है। चल इसको भी रख दो, और छोटा वाला स्नेक हेड मुझे रखना है अपने रिवर फिश टैंक में, मतलब चना जो भी है, ये स्नेक हेड नहीं है, ये चना है, कहाँ है वो, मिल क्यों नहीं रहा है, देखा, बाप रे इतना एक्टिव, वो कितना प्यारा है, कलर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, बहुत छोटा है वो, नहीं 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 देख, पीकॉक टाइप का ही है पीछे का भी, देख देखते रेड है, हाँ रेड रेड है, ये बड़ा होगा तो काफ़ी सुंदर होगा। चलो रिवर फिश टैंक में छोड़ते, बहुत ही प्यारा है, डाल दो यहाँ पे, दो ऑलरेडी है, इधर ही छोटा सा उसको यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, पता नहीं एकदम से छुप गया, आई थिंक अंदर छुपा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ दिख नहीं रहा ना, एकदम से छुपा वो। ये दोस्तों आज का वेदर ना है इतना अच्छा है, और इसी वेदर का हम लोग इंतजार कर रहे थे, आ चुका है फाइनली रेनी सीजन आ चुका है और बहुत ही बारिश हो रही है, और फिश तो यहाँ पे इतना मिलने वाला है। हम लोग को लास्ट टाइम पफर फिश मिला था, आप लोगों ने देखा है, मैंने शॉर्ट्स दिया हुआ है, फुल वीडियो में भी आप लोगों ने देख ही लिया है, जो हम लोग गए थे एक दूर जगह पे जहाँ से हम लोगों ने पफर फिश लिए थे। एनीवेज वो फिर से हम लोग जाने वाले, पार्ट टू जल्दी आने वाला है, और अभी हम लोग जा रहे हैं बैकयार्ड में, और बैकयार्ड में क्या लेके जा रहे हैं पता है, दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है ब्राजीलियन रेड के फ्राइज, 3 फ्राइज है फिलहाल, ठीक है, इन तीनों को लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे बैकयार्ड में पता नहीं पानी वगैरह भर गया होगा यहाँ पे। और क्या है, अच्छा हाँ हम लोग डम्बोयर भी लेके जा रहे हैं, प्लेटिनम डम्बोयर देख रहे हो, यहाँ पे हमारा लोटस एंड कुछ प्लांट्स, और यहाँ पे स्नेक हेड भी है जिनको छोड़ना है। चलो इन सबको लेके चलते हैं बैकयार्ड में, एंड फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से बैकयार्ड में जाकर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बैकयार्ड में, और बारिश इतनी शुरू हो चुकी है क्या बताऊँ, तो चलते हैं, पता नहीं अभी ओवरफ्लो ना हो जाए पानी से, क्योंकि हमारा पॉन्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे, देखेंगे अभी ग्रोथ भी दिखाएंगे। और आओ इधर आओ, बहुत बारिश हो रही है, ओ यहाँ पे देख, ओह हमारा गोल्ड जो फिश था ना, जो हमारा गोल्ड कार्प है, उसमें बहुत एग्स भी थे ना, देखना चाहिए रे बच्चे वगैरह हुआ कि नहीं, क्योंकि फर्टिलाइज कौन करेगा उसका, तो कोई मेल, हाँ एक छोटा सा मेल भी था। ओह बारिश बहुत ज़ोर से शुरू हो रही है रे, चल आ जाए इधर देखते हैं कौन की हालत, ओह नो कौन तो उधर क्यों हो रहा है, आई थिंक पानी कम करना पड़ेगा रे, ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं, उतना तो नहीं हुआ है लेकिन पानी कम करना पड़ेगा, मज़ा आ रहा है यार, पत्ते वगैरह सब साफ करना पड़ेगा, चल करते हैं। तो आप लोगों को दिखा सबसे पहले हमने वाटर लिली का अपडेट, देखो कितना प्यारा हो रहा है, और दिखा ये
ओ वाह, अब खेलेंगे कुछ ही दिनों के बाद। नया पत्ता आई थिंक 1 वीक हो चुका है इनको सेट किया हुआ, 1 वीक से 10 दिन हो चुका है। देखा मैंने कैसे उगाया था, आप लोगों ने पूरी वीडियो में देखा रहेगा। और पानी थोड़ा सा कैसा कलर का हुआ है ना, इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा आई थिंक। इधर भी है देखो, ओ यहाँ भी कितना अच्छे से हुआ ये। एंड ये दिखा, ये भी हो रहा है यहाँ पे, गप्पी छोड़ते रहे क्या बोलता है, ढकना पड़ेगा लेकिन। और ये देखो यहाँ पे भी हो रहा है काफी सारा, तो ये तो अच्छे से हो रहा है। और 10-15 दिन के बाद देखना, यहाँ पे मैं अपडेट दूंगा। चलते हैं, चलते हैं। इसमें तो कोई फिश है नहीं, इसमें छोड़ना पड़ेगा हमें, हम जो लेकर आए अभी। यहाँ पे देखते हैं, पानी पूरा भर रहा है, निकाल दो इसको, पत्ते गिर कर। ओ नो यार, कितना पानी हो गया, फिश फ्राइज तो काफी बड़े हो गए रे। गाइस बारिश हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। इसको पूरा निकालते हैं फिर आपको सारा दिखाते हैं। देखो बारिश में, ठीक है, एक एक करके अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे फ्राइज और कितने बड़े हुए हैं। सो यहाँ पे देखो पानी का लेवल तो कम कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग छोड़ने वाले हमारा ये प्लेटिनम, जो हमारा देख रहे हो आप डम्बो ईयर, फीमेल एंड मेल दोनों, ठीक है, यहाँ छोड़ देंगे। काफी बड़ा एरिया है, मस्त ग्रो करने वाला है। यहाँ पे हमारा, ओ वाओ, ये फुल रेड के फ्राइज है, फुल रेड के फ्राइज। देखो इसमें तो कलर भी आ रहा है, देख रहे हो, ये देखो इसमें तो कलर भी आ रहा है। एंड बाकी थोड़े अलग अलग भी लग रहे हैं यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है कलर इनका, ये बड़े होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें काफी सारे फ्राइज है फुल रेड के, इसका पानी का लेवल कम करना पड़ेगा, पूरा फुल हो गया है। एंड दोस्तों प्लांट्स की ग्रोथ देखो, सब रिवर से कलेक्ट किया हुआ प्लांट्स है, ग्रोथ देखो कितना अच्छा हुआ है। कुछ प्लांट्स मैंने बनी कार्ड से भी लिया हुआ था, देखो कलर आ रहा है कितना मस्त। कितने फ्राइज है इसमें, जो भी है थोड़ा सा पानी कम करते देखो पानी का लेवल। अभी इन सब का भी दिखाएंगे, ठीक है, पकड़ के भी दिखाने वाला हूँ, रुको। तो दोस्तों देखो फ्राइज की ग्रोथ, आई थिंक ये 1 मंथ के फ्राइज है, ठीक है। और भी है इधर घूम रहे जो मैं सब नहीं पकड़ पाया हूँ, ये सब देखो यहाँ पे, देखो कितने सारे हैं, बहुत सारे फ्राइज इस पॉन्ड में, इतने सारे फ्राइज है। अभी दिखाते हैं बाकी सब में। तो यहाँ पे पानी कम कर दिया है, यहाँ पे अभी पानी कम कर दिया और छोड़ने वाले इन सभी फिश को, ठीक है। आ जा, तुम लोग को एक एक करके छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे। ये फ्राइज ब्राजीलियन रेड के फ्राइज है, मैं इनको थोड़ा रेस करना चाहता हूँ बड़ा, तो इनको मैं यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ। जा, सो मैं हूँ फर्स्ट टैंक में, यहाँ पे कुछ फ्राइज थे और ये काफ़ी एग्जॉटिक गप्पीज के फ्राइज, मैं देख रहा हूँ कि कहाँ है। और यहाँ पे कुछ आई थिंक 5-6 फ्राइज आ दिख गए मुझे, 5-6 फ्राइज से बड़े भी हो गए। ओ वाह, क्या साइज, ये देख कितना बड़ा हो गया बे, 10 दिन में इतने बड़े हो गए। देखा गाइस, आउटडोर पॉन्ड का मतलब कमाल ही कुछ और है। देखो यार एग्जॉटिक गप्पीज है ये, देखो ये ऐसे 5 है यहाँ पे। चल जा, रिलीज करता हूँ इनको। ये फर्स्ट वाले से मैंने दिखाया आपको और ये पानी कम कर रहा है, अब मैं सेकंड वाले से दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे कोबरा स्नेक स्किन है, ये सब ये देखो, ओह देख फ्राइज, देख कितने बड़े हो गए, नाइस मैन, क्या तो लग रहा है यार सीरियसली। ये है हमारा धुरंधर मेल, बहुत खूबसूरत है। फीमेल यहाँ पे ये है, आई थिंक फीमेल को अभी कम से कम 1 महीना चाहिए, 1 महीना नहीं, नहीं 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 लोड हो रही है, कितने दिन में। ये है हमारी फीमेल, थोड़ी बहुत लोड हुई है। और ये सारे फ्राइज बड़े हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि इसमें, आई थिंक सभी मेल दिख रहे हैं मुझे इसमें, सॉरी फीमेल दिख रहे हैं सारे के सारे। फिर भी देखते हैं, अभी और भी हैं घूम रहे। तो ये हमारा कोबरा स्नेक स्किन गप्पीस, छोड़ दिया। सो फर्स्ट टैंक, सेकेंड टैंक, दिस इज थर्ड टैंक, इसमें इतने बच्चे हैं हम लोगों ने अभी देखा है। तो ये देखो, ये देखो, बाप रे, ये तो, ये भी इम्पोर्टेड गप्पीज के फ्राइज है, नाम तो मैं बिल्कुल भूल गया हूँ, आई थिंक टक्सीडो येल्लो कुछ तो रहेगा। देखो कितने सारे, अभी तो और भी ये घूम रहे हैं, इनको यहीं पे ग्रो होने देते, कितने सारे देख, वाह एकदम मस्त लग रहा है। और कहाँ, ओ इधर इधर नीचे देख कितने सारे है, बाप रे बाप, आई थिंक गाइस यहाँ पे 20-25 से भी ज़्यादा फ्राइज है, मज़ा आ रहा है। जो भी है इनको यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ मैं। और जो फीमेल है यहाँ पे वो किधर है वो देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप लोग को वेदर देखना है देख लो, पूरा हवा चल रहा है, ठीक है, बैकयार्ड में इतना अच्छा लग रहा है। देखो यार हमारा नेचर, देखो पूरा नेचर ही नेचर है, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है। ये लौकी, ओ नाइस, मज़ा आ रहा है मेरे को सही में। दोस्तों 1, 2, 3 एंड 4 एवरी हमारे टैंक में फ्राइज है। यहाँ पे क्या पता है, HB Blue, तो HB Blue के फ्राइज मिले हैं, मैं बहुत खुश हूँ। पहले मैं HB Blue दिखा देता हूँ, किसने फ्राइज, ओ बहुत सारा है ये इसने दिया रहेगा। एक और मैंने फीमेल दिखा, बहुत लोडेड है। इसमें कितने फ्राइज दिख रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे दिख रहा है 6, लेकिन काफ़ी सारे फ्राइज इधर उधर घूम रहे हैं। ये देखो कितने फ्राइज है, बहुत है, मैं डिस्टर्ब नहीं करता। HB Blue के फ्राइज है, आई एम सो हैप्पी यार, एंड ये हाई क्वालिटी HB Blue के फ्राइज है। रिलीज करता हूँ इनको, पहले मैं दिखाता हूँ दूसरा फीमेल। अरे भाई निकल जा, अभी अभी दिखाया HB Blue ना, अनबिलीवेबल। देखो
पता ही नहीं था, जस्ट सर्च किया इतने फ्राइज यहाँ पे कितने होंगे, 30 से भी ज्यादा फ्राइज है। एक फीमेल ने दिया है, दूसरा फीमेल अभी भी लोडेड है, यानी कि सोचो और भी 30 मतलब कि 60 बच्चे यहाँ पे और भी घूम रहे। देखो देखो देखो, अरे बहुत है यार, छोड़ रेंदे रेंदे, नहीं तो इनको हर्ट हो जाएगा। कितने सारे फ्राइज है, बाप रे। सो यही दो है फीमेल्स, एक ने तो दे दिया, दूसरी वाले अभी भी आई थिंक वो दे ही रही है। चलो रिलीज ही कर देते हैं, जाओ भाई। सो 1 2 3 4 चारों हो गए। यहाँ पे फ्राइज मुझे नहीं दिख रहे, देखते हैं यहाँ पे फिर भी, क्योंकि यहाँ पे हमने छोड़े हुए थे दो फीमेल्स, ठीक है, जो लोडेड ही थे। देखना पड़ेगा कहाँ है वो दो फीमेल्स, ठीक है, कहाँ गए ये देखो। अरे लोड तो हो गए रे, आई थिंक दो तीन में बच्चे दे देंगे ये। 1 2 3 4 5 ये 6th, और यहाँ पे हमने छोड़ा था हमारा डम्बो ईयर के फ्राइज। अभी डम्बो ईयर के फ्राइज कहाँ, ये सब है, कितने बड़े हुए मुझे वो देखना है। डम्बो ईयर के फ्राइज अच्छा साइज हो गया रे, देख कितना मस्त कलर भी आ रहा है, एकदम ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ये सारे डम्बो ईयर के फ्राइज है यहाँ पे, आप लोग को याद है 18 डम्बो ईयर के फ्राइज है। और किधर होंगे, होंगे कहीं पे अंदर, जो भी है काफ़ी सारे फ्राइज हमने यहाँ पे छोड़े थे, ठीक है, तो इनको भी रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये एक्लिमेट हो गया है, छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। कहाँ गए फीमेल, तो कूद गई शायद यार, आई थिंक वो कूद गई ऑलरेडी, तो इसको छोड़ देते हैं। ओके रिलीज कर दिया। फीमेल किधर है, ये रही फीमेल इधर है नीचे, देखो। चलो अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ का सारा काम हो चुका है हमारा, आप लोग को मैं दिखा दिया सारे टैंक्स में फ्राइज वगैरह। अब ये ढक देते हैं, पानी भी कम करते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, ओवरफ्लो हो जाएगा। उसके बाद काम करेंगे इन पॉन्ड्स में और दिखाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। गाइस यहाँ पे कितना टाइम जा रहा है, देखो हम लोग तब से क्लीन कर रहे हैं, मतलब पानी निकाल रहे हैं, कम करते रहे कि बारिश हो रही है ना। गाइस इस बड़े वाले वाटर लिली को, यहाँ पे दो हमारा स्नेकर है, किधर है, हाँ दोनों ही है, उनको छोड़ेंगे। पर इसको ना मैं पहले इस पॉन्ड में छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और इसके जो भी बर्ड्स वगैरह है वो निकलने देते हैं, एक दो दिन में एकदम ठीक हो जाएगा, और निकलने देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग जो है एक बड़े वाले पॉन्ड में बो सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कलर का है, पिंक कलर का देखा था आप लोगों ने उस वीडियो में, तो छोड़ दिया मैंने इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे सब हम लोगों ने जो है पानी कम कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेश, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है ये सब लोड हो गए, एंड साइज भी देखो इनका, ये बच्चे बड़े हो गए। तो दोस्तों ये हमारे पर्पल बेरी, एंड आप कलर भी देख पा रहे हो इनका, जो बॉडी पैटर्न है इतना प्यारा है, मेल तो यार ऑसम है, अल्टीमेट है, ठीक है। तो ये सब इनके फ्राइज है, तो ये तो लोडेड है, यहाँ पे दो तीन तो एकदम लोडेड है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनके फ्राइज जल्दी आ जाए। तो ये कपीस देखो, बहुत ब्यूटीफुल कपीस है। यहाँ पे पर्पल बेरीज थे, यहाँ पे बहुत सारे फ्राइज है, अब यहाँ पे तो इतने अनगिनत फ्राइज है ना, मतलब पूरे मिक्स है। ओके तो मेनली नियन कपीस के भी फ्राइज है। ओहो माय गॉड, ये देखो यार, सीरियसली अभी तो बहुत ज़्यादा प्राइस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है, मैंने एक ही बार बस उठाया, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, अभी कितने होंगे इसी में आ गए 50 से भी ज़्यादा। देखो बाकी तो पूरे घूम रहे, ये देखो देखो कितने घूम रहे इधर उधर, ठीक है। तो ये इसमें बड़े हो रहे, रेज हो रहे। तो बारिश बहुत तेज़ शुरू हो चुकी है, जितना हो सके दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं दिखाता है, बहुत प्लांट्स हैं, इससे करूँगा तो प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जेट ब्लैक है, यहाँ पे हमारा कुछ जेड ब्लैक ऐसा है, ठीक है। और इनके काफ़ी सारे प्राइस भी है, ये देखो बड़े भी हो गए प्राइस, और इनके कलर्स देखो, ओ वाह यार क्या कलर है ना, बहुत प्यारा कलर हुआ है रे, बाहर में तो बहुत ही अच्छा कलर हुआ है इनका, एकदम ब्लैक ब्लैक, काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्राइस भी बड़े हो गए बहुत जल्दी, यहाँ पे 4-5 बड़े हैं और बाकी छोटे तो बहुत सारे हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे अभी प्राइस हुए नहीं है, बड़े वाले हैं, तो यहाँ पे आई थिंक प्राइस नहीं होंगे, ये सब नियन गप्पीज है, प्राइस यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे एक दो फीमेल्स है, एक और फीमेल है यहाँ पे नीचे है, एंड ये दो मेल्स, ये नियन गप्पीज है, बहुत सुंदर है। आई थिंक इनके प्राइस हो जाएंगे 10-15 दिन में, रिलीज़ कर देता हूँ मैं इसको। हाँ है जापानीज ब्लू टेल, जो अभी तक फ्राई नहीं दे रहा है, या दे रही है जो भी है, ये देखो, ठीक है। ये अभी काफ़ी टाइम ले रहा है यार सच में, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। फीमेल लोडेड भी लगती है लेकिन पता नहीं, जो भी है रिलीज़ कर देता हूँ, होपफुली मुझे 1 वीक में मिल जाए। यहाँ पे भी है नियन गप्पीज, जिन्होंने बहुत प्राइस दिए थे, और अभी मुझे पता नहीं, अभी शायद लोडेड नहीं होंगे, कहाँ हैं सारे के सारे हमारे, तो कहाँ गए सब, रुको देखता हूँ। ये हटाना पड़ेगा एक बार, नहीं तो फिर दिखते नहीं हैं।
ये बहुत लोड हो गया यार, देखो क्या लोड हुई है ये। ओह माय गॉड, सीरियसली तीनों की तीनों फीमेल्स का हालत देखो, ब्लास्ट होने वाले बच्चों के साथ, लाइक 50-50 आराम से हो जाएंगे। बाप रे, नाइस ग्रोथ गाइस को अगर आप देखो, माय गॉड कल परसों में ये हो जाएगा। अरे कितना, मतलब बाप रे इतनी, मतलब इसका वेट ही इतना ज़्यादा हो लग रहा है मेरे को हाथ में। तो दोस्तों ये सारा काम हो चुका है, देखा आपने हमारा बैकयार्ड का ये अपडेट, और इन सभी जो आप पॉन्ड्स देख रहे हो इनमें होल बनाएंगे ताकि जो बारिश हो रही है उसका पानी निकल जाए, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा और हमारा फ्राइज और जो बड़े फिश है वो निकल जाएंगे और मर भी सकते हैं ना, बहुत बारिश हो रही है। और थर्मोकॉल का भी हम लोग देखते हैं, होल्स बना देंगे ताकि जो भी पानी जमा हो ओवरफ्लो हो निकल जाए। और अभी हम ये स्नेक हेड्स को छोड़ने वाले हैं, चल तो ये पानी के साथ डाल देंगे क्या, दिखा उसमें, यहाँ पे छोड़ना, इसके ऊपर छोड़ना, स्नेक हेड्स को यहाँ पे छोड़, यहाँ पे, यहाँ इस नेट में छोड़, मुझे देखना है। ये देखो हमारे स्नेक हेड्स, जाओ भाई तुम्हारा ही घर है। कितना अच्छा लग रहा है ये, इसी तरीके से बारिश में ना ये इनको कुछ नहीं होता, ये बहुत ही मतलब खुश रहेंगे यहाँ पे, बहुत बड़े हो जाएंगे शायद। ये गया, जा जा जा, थोड़ा सा ये कर दे तो, जा भाई जा, एक गया है नहीं, दूसरा दूसरा भी गया, ठीक है तो चलते हैं घर। तो काफ़ी सारी चीज़ चल रही है और ये देख पा रहे हो ग्रास, ये एक्चुअली मैं वो लेक से लेकर आया था जहाँ पे मैं गया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये मुझे मिला है, तो मैं ये लेकर आया और इसको कट करके अभी जो है देखो मैं नीचे रखा, मैं दिखा तो आपको, मैंने कुछ इस साइज़ में कट किया हुआ है क्योंकि काफ़ी लंबा है ना इसके वजह से। एंड हमारा टैंक तो बिल्कुल तैयार है गाइस, दो दिन से ये पानी में इस तरीके से हम लोगों ने इसको टेस्टिंग के लिए रख दिया था और बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है, और सबको मैंने कट कर लिया, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अभी ना आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास आया हुआ एक फ्लावर हॉर्न जो कि एच एम एक्वाटिक से आया हुआ है और ये ML है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये, तो इसको मैंने एक्लिमेट करने के लिए रख दिया है और थोड़ी देर के बाद रिलीज करने वाला हूँ, फिर उसके हम बड़ा टैंक देंगे, आज तो नहीं कुछ लाइक वन मंथ यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो करवाएंगे फिर रिलीज करेंगे एक बड़े वाले टैंक में। दोस्तों अब हमारे इस खाली स्पेस पे आने वाला है एक बहुत ही बढ़िया सा टैंक, तो तैयार हो चुका है, उस टैंक को मिलाते हैं एंड सेटअप करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो आ गया है गाइस हमारा ये बड़ा वाला टैंक, फ्रंट और बैक, तूने देखा कौन सा फ्रंट है, ऐसे ही रख रहा है ये बंदा, फ्रंट और बैक देख भी नहीं रहा है कुछ भी, कौन सा फ्रंट है, हाँ ये बैक है, ये बैक है, पीछे कर, अच्छा हो दोबारा मेहनत करो इसको पूरा पीछे करो, मतलब घुमा दो, ठीक है ना पहले बस ये देख, अच्छा हो डबल मेहनत दिखा रहा हूँ। अभी एक मिनट, थर्मोकॉल हमारा इधर उधर से कटा हुआ है, इसको अभी हमें थोड़ा सा पोंछना पड़ेगा एंड देन सेटअप करना पड़ेगा। गाइस ये बहुत ही खूबसूरत सा टैंक बनने वाला है ना, सिर्फ और सिर्फ रिवर ग्रास से, देखते रहो, ये तो आपने देखा ही है, ये बहुत मेहनत से बनाया हुआ है और ऐसा सेटअप अभी जाकर हुआ है आफ्टर सो मेनी मंथ्स, उसी तरह से इसमें भी होगा, इसमें मिसमेकर नहीं लगाएंगे लेकिन इसमें कुछ तो अलग करेंगे, देखते हैं। दोस्तों चलो शुरू करते हैं हमारा ये सेटअप, मैंने यहाँ पे रिंग लाइट लगा दिया और ये आप एक्वेरियम देख रहे हो जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, आप लोग ने देखा भी हुआ है, और अभी हमने पानी वाली डाल के दो दिन टेस्ट कर लिया, बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है, कहीं से भी कोई लीकेज है नहीं। तो अभी यहाँ पे हम जो सेटअप करने वाले हैं किससे किससे पता है, ये सारे सामान से, यहाँ पे हमारे पास है सॉइल, ट्रॉपिका का सॉइल जिसमें ऑलरेडी फर्टिलाइजर एड है, ये है ब्रिक्स के टुकड़े, ये मैंने अलग सेट में भी यूज किया हुआ है, एंड कुछ बड़े स्टोन्स और यहाँ पे है कुछ ग्रास, ठीक है, तो ये शायद हमें और चाहिए रहेगा बट देख लेते हैं, अभी इतना सारा रखा तो है सब तो नहीं यूज करेंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे एक सिंपल सा ना पूरा रिवर ग्रास का सेटअप करें, और ये जो आप ग्रास देख रहे हो रिवर का, ये बहुत अच्छा वाला ग्रास है जो कि हम लोग लेकर आए थे लेक से, जो आपने वीडियो देखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे और कुछ दिनों के बाद लाइक वन मंथ के बाद तो अच्छा ग्रो करेंगे ही बहुत ज़्यादा, और रिवर ग्रास तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। एक्चुअली हम लोगों ने ड्रिफ्टवुड एंड बहुत सारे स्टोन्स वगैरह को हर सेटअप्स में हमने यूज़ किया है, वो आप लोगों को पता है ज़्यादातर सेटअप्स में यूज़ किया हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक सिंपल सा सेटअप बने जो बिल्कुल ग्रीन हो, और यहाँ पे हमारा नियन टेट्रास चाहिए, जो भी फिश आप सजेस्ट करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूँ, देख पा रहे हो अभी मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, आप लोगों ने देखा हुआ है, तो अभी मिक्स करके मैं पहले डाल देता हूँ, इस सेटअप को पूरा करते हैं फिर हमें प्लांट्स पे लगाने हैं, राइट, तो ये सब मैं यूज कर रहा हूँ इसमें। तो अभी पीछे वाला बैकग्राउंड में हम लगाने वाला हमारा रिवर ग्रास, तो पीछे वाले बैकग्राउंड को ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा सॉइल देंगे। दोस्तों देख रहे हो मैं ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुका हूँ, इसके नीचे काफी सारा सब्सट्रेट डाल दिया है, ठीक है, और अभी हमारा सॉइल का लेयरिंग चल रहा है पूरा ब्लैक, और इसमें जब हमारा रिवर ग्रास आएगा तो आप सोचिए कितना सुंदर लगने वाला है। ओह गॉड दिस ऑलरेडी लुकिंग सो गुड, मैंने इतना ही मतलब कि गैप्स रखे हैं क्योंकि ये प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं,
और देखो इतना जाने वाला है, इतना पानी आने वाला है, तो प्रोबेबली ये जब ग्रो कर जाएगा ना तो ये ऐसे फ्लोट करने लगेगा लीव से, आप लोग कन्फिक कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबे होते हैं प्लांट्स। दोस्तों द सेटअप इज रेडी, अभी आप लोग को सिंपल लग रहा होगा राइट, लेकिन आप लोग वन मंथ का इंतजार कीजिए, वैसे भी ये अपडेट आते रहेगा ना। और अभी हम लोग क्या करने वाले, पानी डालने के बाद आपको लाइट लगा के दिखाने वाले, तब देखना ठीक ही लगेगा, लेकिन अभी प्लांट्स की ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं हुई है, तो प्लांट्स की ग्रोथ होगी फिर भर जाएगा एंड पीछे हम लोग लगाने वाले एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, फिर देखना कितना चलेगा। तो चलो पानी डालते हैं एंड देन लाइट्स लगाते हैं, फिर दिखाता है इस टैंक की खूबसूरती। ओके तो गाइस हमारा सेटअप रेडी है, ये तो अमेजिंग है राइट, और ये भी बनने वाला है देखो यहाँ पे। गाइस हमने फाइनली अपने फ्लावर को भी रिलीज कर दिया, देखो कितना खूबसूरत है, वाओ। अभी भी इसको रिलीज किया है तो कुछ दिनों में तो ये लाइक एक दो दिन में तो इतना एक्टिव हो जाएगा, अभी एक्टिव लग ही रहा है, और इसको हैंड टीम करूंगा मैं पूरा। देखो इसके पैटर्न कितना ब्यूटीफुल है यार, वाओ बहुत खूबसूरत है। तो इसको मैंने फिलहाल यहाँ रखा हुआ है एंड देन इसका टैंक भी चेंज हो जाएगा कुछ दिनों में, और अभी जस्ट थोड़े दिनों के लिए टाइमिंग के लिए इसको यहाँ पर रिलीज कर दिया है। बहुत सही है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हॉर्न है जो हमने H&M Aquatics से मंगवाया था, आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और ऊपर भी आ रहा रहेगा। दोस्तों ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का नज़ारा है, और देखो मैंने इसको खाना दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से खा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल हेल्दी है ये। ठीक है दोस्तों और दे देते हैं, तो मस्त खाना खा रहा है और आप देख ही पा रहे हो कितना प्यारा है, देखो तो इसका मतलब बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब की नज़ारा है। एंड गाइस कलर पैटर्न तो आप देख ही रहे हो, बाप रे जब बड़ा होगा थोड़ा सा तो कितना खूबसूरत लगने वाला है सोचिए। दोस्तों ये हमारा गोल्डफिश का टैंक, बहुत लोग का रिक्वेस्ट है कि आपके जो सेटअप्स में गोल्डफिश का सेटअप एक भी नहीं है, तो मैंने फाइनली कर लिया है गोल्डफिश का टैंक का सेटअप, और अभी इनको देने वाला हमारा प्रोडक्ट जिसके लिए मैंने जो है वोटिंग दिया हुआ था और आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, तो मैंने फिलहाल तो इनको दे दिया है। देखो इतने अच्छे से खाते हैं आप देख लो, और सही में एकदम मतलब ये इतना बढ़िया खाना है। तो ये ड्राई श्रिम्प है ठीक है, लेकिन बहुत अलग तरीके से इसको बनाया गया हुआ है। तो ये जो खाना है ना ये दो मिनट में खत्म हो जाएगा, देखो कितने चाव से खा रहे हैं। तो इनको मैंने यहाँ पे सिर्फ चार दाने दिए थे, उनको थोड़ा पीसेस करके, तो अभी तक खा ही रहे ये। और आप लोगों को पता है कि गोल्डफिश बहुत भूखे होते हैं ठीक है। आप देख पा रहे हो गाइस ये ट्राई कलर ओरेंडा है, और ये मैं सतवेश फिश फार्म से लेकर आया था। तो दोस्तों हम पहुंच चुके वीडियो के एंड में, और ये मेरा फिलहाल तो ओवरऑल जो मेरा रूम बना हुआ है ठीक है, किसी किसी में तो लाइट्स नहीं है, मुझे लाइट्स खरीदने पड़ेंगे और बनाने भी पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कुछ कुछ टैंक्स में लाइट्स हैं नहीं ठीक है, उन टैंक्स में लाइट्स लगाने पड़ेंगे। तो अभी तो ये रूम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, कम्प्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जगह पेंडिंग है, तो सब करना है, सब कुछ आएगा, तो स्टे ट्यून गाइस। फिलहाल तो ये कॉर्नर थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, और यहाँ पे काफ़ी प्लांट्स वगैरह भी हैं अभी नीचे की, ये सब कुछ जो है कवर होने वाला है। तो बस यही था कुछ अपडेट, कैसा लगा जरूर बताना।